इस लाइन में आयोजित किए गए परिवार परामर्श केंद्र में 20 मई के दिन 49 फाइलों पर सुनवाई की गई। किस तरीके से, आइए आपको भी दिखाते हैं। यह जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें रिजर्व पुलिस लाइन के बहुउद्देशीय हॉल की है। यहाँ 20 मई के दिन परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन किया गया, जिसमें 49 फाइलों पर सुनवाई की गई। वहीं दो मामलों का फॉलो अप भी लिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लगातार परिवार परामर्श केंद्र के दो परिवारों को जोड़ने के लिए कड़ी मशक्कत करते दिखाई दिए। प्रत्येक शनिवार के दिन परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन किया जाता है और इस परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से बिछड़े हुए दंपतियों को एक साथ रहने का काम किया जाता है। ऐसे ही पति पत्नियों से भी वार्ता की जाती है, जिनको परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों की कड़ी मशक्कत के बाद एक साथ रहने के लिए भेजा जाता है। परिवार परामर्श केंद्र के सदस्य मुजम्मिल मिर्जा ने क्या कुछ बताया, जरा आप भी सुनिए। मुजम्मिल मिर्जा जी, परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन किया गया है, कितनी फाइलों पर सुनवाई की गई? 49 फाइलें हियरिंग के लिए हैं, 2 फॉलोअप के लिए हैं। फॉलोअप से मतलब ये होता है कि जो हम विधायक करते हैं वो प्रसन्न हैं, उनमें आपस में कोई कटता तो नहीं, वो खुशी से रह रहे हैं, तो वो इसलिए फॉलोअप पे। एक तो आई हुई थी फॉलोअप की जोड़ी उषा की, और वो लड़के का नाम पता नहीं, ध्यान नहीं आया, खुश से वो लोग, हमें भी खुशी हुई, वो फॉलोअप पे आए थे। तो अब ये 49 पे सुन रहे हैं, आशा आया कि टाइम भी है और लोग भी आ रहे हैं, कुछ विधायक कर सकें हम। इस तरीके से परिवारों को जोड़ने का काम करते हैं। अब छोटी छोटी बातें होती हैं, कभी वो छोटी बातों को बड़े बन जाती, कि वो फ़ोन से क्यों बात कर रही थी, या वो कह ये फ़ोन से बात करते हैं, रात में मेरी आँख खुली, मैंने देखा ये बात कर रहे थे, तो वो गलतफहमियाँ भी हो जाती हैं, कभी सच भी हो जाता है। इस तरीके की है, बीच में कुछ लोग बढ़ाते हैं, मैटर को बढ़ा देते हैं, तो कई मोड़ ऐसे आते हैं जब हम लोग इसको सुनते हैं तो पता चलता है कि क्या है। जैसे अभी आपने देखा आपके सामने कि दोनों ने कम्युनिकेशन गैप है, और वो अपनी कहानी बता रहे हैं और वो अपनी कहानी बता रहे हैं। अब एकदम मैं दोनों को सुन रहा हूँ, फाइनल तो नहीं कर सकता, तो ये चलता रहता है।